आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुका है दोपहर का टाइम और आज सुबह से जो है बहुत सारा काम मैंने कर चुकी हूँ और जो कि मैंने सूट वूट कुछ नहीं किया है। और अभी जा रही हूँ मैं, बच्चों की कितनी सारी ढेर किताबें हो गई हैं क्योंकि अभी नए क्लास में पहुँच गए, नया सेक्शन आ गया, तो पुरानी किताबों को फेंकना है और नई किताबों के लिए जगह बनानी है। फेंकना मतलब उनको सही जगह पर रखना है, बेचने वाला उनको बेच देंगे या किसी को दे देंगे, तो इस तरीके से है। और इसकी भी है कुछ कुछ जो इनको भी संभाल के रखना है, चुटंकी की हमारी। तो आज करती हूँ मैं उनको अच्छे से अरेंज और किस तरीके से करती हूँ और वो जो भी होगा वो आप लोग साथ शेयर करती रहूँगी। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो कार्डबोर्ड बॉक्स लिए हैं, एक मेरी बेटी का शिपर आया था इसमें एक ही वाला है और एक ही वाला इसमें कुछ सामान आया था, इस तरीके से दो बॉक्स हैं। तो इन दोनों का आज रीयूज़ करने वाली हूँ मैं बच्चों के लिए, कुछ रखने के लिए सामान। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो तीन कपड़े भी लिए हैं, इनको मैं देखूँगी कौन सा कपड़ा किस पे लगाना है। तो ये देखिए, इसको मैंने साइडों से कट करके और इसका जो पार्ट थोड़ा बचा हुआ था उसको मैंने दो पार्टीशन में अंदर पेस्ट कर दिया था इस तरीके से। और अभी मैंने यहाँ पे येलो कलर का कपड़ा लिया है तो मैं इसको मेजर करके देख रही थी तो ये अच्छा है, तो मैं इसको दो पीस अलग अलग कर लूँगी ताकि पेस्ट करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा और अच्छे से आसानी से पेस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये दोनों साइड से मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। तो मैं पहले इसको जो है खोल लेती हूँ दो पार्ट में कट करके इस तरीके से देखिए। और मैंने यहाँ पे देखिए दोनों पीसों को अलग कर लिया है और इस तरीके से अब मैं इनको पेस्ट करना स्टार्ट करूँगी। तो आप कहीं पे भी एक साइड से इस तरीके से देखिए मैं इसको पेस्ट करना शुरू कर दूँगी। तो थोड़ा सा इसको अंदर की साइड में निकालते हुए एक दो इंच और एक दो इंच नीचे की साइड में इस तरीके से पेस्ट करूँगी मैं इसको, क्योंकि अंदर की साइड में मैं इसमें कोई कपड़ा लगाने वाली नहीं हूँ, बस बाहर और नीचे की साइड में इस तरीके से बस पेस्ट करूँगी। तो ये देखिए फेविकॉल से हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत कपड़ा ज़्यादा मोटा नहीं है हमारा। जैसे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं, जैसे पर्दा वर्दा या चादर वगैरह इस टाइप के जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, तो वो वाले जो कपड़े होते हैं वो फेविकॉल से नहीं चिपकते हैं, उनके लिए ग्लू गन का ही यूज़ करना पड़ता है, ये फैब्रिक ग्लू का या ग्लू गन का। तो इसमें ये फेविकॉल से बहुत ईजी तरीके से चिपक जाते हैं क्योंकि ये कॉटन के कपड़े हैं, बहुत ईजी तरीके से पेस्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसमें सिलवटें थी तो मैं हल्का हल्का इनको खींच करके और हाथ मार के प्रेस करके हाथ से इस तरीके से मैं पेस्ट कर रही थी, तो बहुत ईजी तरीके से ये जो है पेस्ट हो जाता है। तो जब हम किसी भी घर में इस तरीके के बॉक्स होते हैं उनको अक्सर हम क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं और उनका कुछ नहीं करते हैं। तो कई बार हम मतलब देख नहीं पाते हैं, हमारे आसपास ही होती है चीज़ें और हम समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर हम इनको यूज करेंगे तो ये बिल्कुल भी देखने में ख़राब नहीं लगते हैं और बहुत अच्छा लुक आता है इनका। और घर में हम जब कुछ भी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा वो निखर के आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं इसमें छोटे छोटे बच्चों की जो मेरी बेटी की बुक्स हैं वो रखने वाली हूँ इसमें इस तरीके से पेस्ट करके। और आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, अपना मेकअप का सामान भी रख सकते हैं या फिर जो है आप यहाँ पे कुछ अलमारी में भी अपना कुछ भी रख सकते हैं, तो वो अपना अपने नीड के हिसाब से कुछ भी इसमें जो है रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसमें पेस्ट कर लिया है, जैसे नोटबुक पे हम कवर चढ़ाते हैं उस तरीके से ही है, नॉर्मली कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पीछे की साइड मैंने इस तरीके से पेस्ट कर लिया है इसको। और अभी है अंदर की बारी, तो अंदर मैं इस तरीके से इसको मोड़ते हुए अंदर कर दूंगी। तो ये जो हमने जहाँ लगाया है इसमें अंदर से, तो इसको मैं कट कर दूंगी ताकि हमें जो अंदर मोड़ने में जो है इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारा इसमें पेस्ट कर लिया है कपड़े को, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अंदर मैंने कुछ नहीं लगाया है क्योंकि अंदर भी अच्छी मजबूती है इसकी और देखिएगा भी नहीं, कुछ भी रख देंगे तो इस तरीके से देखिए मैंने छोटे छोटे बुक्स थे मेरी बेटी के तो मैंने वो इसमें रख दिए हैं। और देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका निकल करके। और साइड में जो जगह है वहाँ पे आप पेंसिल वगैरह या कलर या बच्चों के कुछ भी रख सकते हैं। और देखिए अब मेरी इसकी बारी है सेकंड वाले बॉक्स की, तो इसमें जो साइडों में लगे हुए हैं इस तरीके से इनको मैं हटा दूँगी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, बिल्कुल फिक्स कट करूँगी तो फिर वो अंदर घुस जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये बॉक्स के अंदर ना घुसे। इस तरीके से देखिए बंद करने पे ये थोड़ा सा बाहर ही रहे, ये देखिए। और अभी इसका ढक्कन भी काफ़ी बड़ा लग रहा था देखने में, तो मैं यहाँ से साइड से कट कर दूँगी इसको ताकि जो ये भी थोड़ा देखिए देखने में अच्छा लगे इसका लुक। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है और काफ़ी अच्छा मजबूत बॉक्स था ये, और साइडों से इसमें टेप भी लगी हुई है। तो आप चाहो तो इसको पहले टेप लगा कर और मजबूत भी कर सकते हो, देखिए काफ़ी मजबूत है ये। तो मैंने इस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं करा, इसमें पहले से सब कुछ लगा हुआ था। तो अब यहाँ से मैं इसको कपड़ा पेस्ट करना स्टार्ट करूँगी। तो ये जो कपड़ा लिया है मैंने, ये भी बहुत पतला सा कपड़ा है बट इसमें
लगने के बाद ये बहुत ज़्यादा जो है निखर के आया था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में, क्योंकि एक तो मैच कर रहा था इसके साथ में। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं सारा पेस्ट कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करते हुए इस तरीके से। देखिए बहुत इजी पेस्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मतलब मोटा कपड़ा नहीं है ये, बहुत मतलब बारीक कपड़ा है, पतला है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई कपड़ा ही पड़ा हो, कोई कुर्ती का आपका कुर्ती वगैरह पुराना उसको भी पेस्ट कर सकते हो, कोई दुपट्टा आपके पास पड़ा है उसको भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो पतला सा, चाहे वो आपका जॉर्जेट का हो, शिफॉन का हो, चाहे किसी भी उसका कपड़ा हो। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था तो मैं यहाँ पे कुछ नीचे की साइड में तो ज़रूरत नहीं होती है इतना मैचिंग का लगाने की, नीचे तो आप कोई अलग कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने एक एक दो दो इंच छोड़ करके और यहाँ पे कट कर लिया था इस तरीके से कपड़े को। तो अगर मैं बाद में ये कपड़ा बचेगा तो इसी को पेस्ट करूँगी, नहीं तो कोई और पेस्ट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको देखिए यहाँ पे कट कर लिया है, और अभी ये जो बच रहा है इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे साइडों में पेस्ट कर दूँगी, और जो नीचे बच रहा है इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे पलट दूँगी। देखिए इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे मोड़ के, जैसे हमने पहले वाला लगाया था उसी तरीके से हमें जो है इसको भी लगा देना है। तो ये देखिए एक साइड का इस तरीके से पेस्ट हो गया आगे की साइड का। अभी बैक साइड बचा है तो बैक साइड को भी हम इसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, तो एंड तक उसके दूसरे एंड तक इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और आप सब लोगों के साथ और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए पीछे जो बचा हुआ था तो मैंने उसको इस तरीके से यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया है, तो ये पीछे की साइड हमारा इस तरीके से हो गया है। अब बचा है इसका फ्लैप, जो इसका ढक्कन है वो इस बचा है, तो इसको भी हम इस तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए पीछे से जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से इसको कवर करते हुए इस तरीके से, ये देखिए, और ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरीके से अंदर में पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे साइडों में इस तरीके से इसको कट कर लिया है, ताकि हम जब इसको अंदर मोड़ें तो हमारा इजीली मुड़ जाए, ताकि ये वाला इतना कोना यहाँ पे, जैसे हम नोटबुक पे कवर चढ़ाते हैं तो हम कोने कट कर देते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हमें करना है, कुछ भी ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखिए अभी जो बीच वाला पार्ट बचा है तो उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी एक और कपड़ा, ताकि इसकी जो साइडें हैं वो भी कवर हो जाएंगी और ये हमारा पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे कोई कपड़ा लगाया है इस अलग से। आप चाहो तो यहाँ पे एक पूरा बराबर कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इजीली लगाना है तो इस तरीके से आप अलग अलग करके लगा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखिए मेरा बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया है ये सारा का सारा, और बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। तो इसको जो है आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें जो है कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं इसको, लेस वेस लगा करके या कोई और मतलब मिरर विरर लगा करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।